स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिच पर हो गई लड़ाई, रोहित गंभीर की आफत आई, मैच से पहले मीटिंग बुलाई। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा, जिसकी तस्वीरें पिच की काफी वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि स्लो टर्नर है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, तीन स्पिनर्स के साथ यहां पे जाना चाहते हैं। तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के लिए एक तरीके से आफत ये है कि लोग अब सोच रहे हैं कि टीम इंडिया डिफेंसिव मोड पर आ चुकी है, जिस चीज़ के लिए वो जानी नहीं जाती। टीम इंडिया जानी जाती है अटैकिंग अप्रोच के लिए, और जो हमने पहले टेस्ट में भी देखा, भले ही हम लोग हार गए लेकिन पहला टेस्ट मैच आपने देखा कि टॉस हमने जीता, ओवरकास्ट कंडीशन थी, वहां पर रोहित शर्मा ने बैटिंग पहले ली। हालांकि इस चीज़ को माना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की गलती हो गई, मुझे पिच रीड करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 46 रन पर टीम ऑल आउट हो गई और 8 विकेटों से मुकाबला हमने गवा दिया बेंगलुरु वाला। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देना चाहते रोहित शर्मा और गौतम गंभीर, और अपने हिसाब से पिच को वहां पे बनाया गया। अब देखते हैं कि यहां पर टीम इंडिया की अप्रोच क्या रहती है, टीम इंडिया किस तरीके से अपने आप को डिलीवर करता है, तीन स्पिनर कौन कौन से होंगे और क्या कॉम्बिनेशन होगा, शुभमन गिल की वापसी हो जाएगी, कौन बाहर जाएगा, केएल राहुल बाहर जाएंगे, सरफराज खान जिन्होंने शतक लगाया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और टीम इंडिया की एक तरीके से इज्जत बचाई, तो क्या वो बाहर जाएंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और ये जो पिच आप देख रहे हैं, जहाँ पर लगातार जो क्यूरेटर हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख से मुकाबला है, दूसरा तीसरा मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा 1 नवंबर से, लेकिन दूसरा मुकाबला टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि पहले में हार के बाद दूसरे में टीम इंडिया को कमबैक करना पड़ेगा, क्योंकि WTC फाइनल के लिहाज से ये सीरीज़ अगर गवा देती है टीम इंडिया तो WTC फाइनल खतरे में पड़ सकता है, जिसके लिए टीम इंडिया बिल्कुल अब तैयार है और सोच रही है कि ये मैच कम से कम जीता जाए और मुंबई में भी जीत हासिल करके सीरीज़ को जीता जाए। पहला मैच हार गए कोई बात नहीं, लेकिन यहां से अब चीज़ें टीम इंडिया के फेवर में जा सकती हैं। स्लो टर्नर है, काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है इस पिच को बनाने के लिए, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं लगातार पिच की जो पुणे से निकल के आ रही हैं, वायरल तस्वीरें हैं, और ये ट्रैक आप देख सकते हैं कि कितना स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होगा, स्पिनर्स के लिए मददगार होगा। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं, मौसम की जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये भी बताती है कि पुणे में भी बारिश है, पुणे में भी 24-25 तारीख को बारिश का फोरकास्ट है। अगर ऐसा हुआ तो टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब स्पोर्ट्स नाउ को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।